मामला अमृतसर के सौपटी रोड से चल रही गुरु नानक पेठी वाले की दुकान का है, जिथे दुकानदार पिछले 30 साल तो अपनी दुकान चला रहा है। हुण उसका कहना है कि उन्होंने इलाके के कांग्रसी कौंसलर दलवीर कौर का बेटा बाबा जी, जो कि अपने आप को कौंसलर रखवाता है, उन्होंने दुकानदारी करने तो तंग परेशान कर रहा है। दुकानदार गुरनाम सिंह और उसके बेटे कुलजीत सिंह ने दसाया कि कौंसलर बाबा वालों उन्होंने दुकान से कुछ साथियों की मदद के नाल पानी और तेजाब पाया गया, जिसके चलदे उसका काफ़ी नुकसान हो गया और जिसकी CCTV फुटेज भी उन्होंने कोल है। इस संबंधी उन्होंने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाद इंसाफ की मांग की है। हाँ जी भाजी, की नाम तुहाडा? कुलजीत सिंह नाम जी भाजी मेरा। हाँ जी कुलजीत जी, की आ भाई? मेरी 100 फुटी रोड से दुकान है गुरु नानक सिंह पीठी वाले के नाम से। 30 साल तो ही दुकान इतने करते पे जी, कारोबार मेरे फादर भी करते जी, नाल मैं भी करता, तो मेरा वड्डा भरा भी करता। अज तो कुछ हफ्ता 10 दिन पहला अपना वार्ड साड़ी वार्ड का कौंसलर जिहड़ा है बीबी दलबीर कौर, उन्हों का बेटा अपने आप में कौंसलर कहता है, तो नाले साड़ी दुकान के छत के उपर चढ़ के अनपछाते बंदियां दे नाल हथियारों के नाल हथियार की वीडियो हो गई साढ़े को, ठीक है जी, कैमरे लगे, रिकॉर्डिंग सब कुछ। कौंसलर 45 नंबर वार्ड की माता जी की वो नहीं गा जी, अच्छा, वो अपनी कौंसलर की कौंसलरी की कांग्रेसी कौंसलर है जी। अच्छा, लगता दबाव पै रहा है? हाँ जी हाँ जी, पूरा दबाव पै रहा जी। आखो जी तेरे सामने ही की माहौल बनया दुकान का, वेखो जाके की हालात दुकान के बने, दबाव के हिसाब ने कर दे सब कुछ, धक्का कर दिया बहुत ज्यादा, उत्ते तेजाब सुटन दिया इन्ना पानी दुकान के, बहुत नुकसान होती। पहले कंप्लेट की? हाँ जी कंप्लेट की थी थाने पहले। लगता नहीं गुंडागर्दी हो रही? बहुत ज्यादा गुंडागर्दी कर दिया, गुंडागर्दी नहीं बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है जी। मैं यो मंग करता हाँ कि मेरी दुकान का जरा नुकसान होया वो मैं दवाया जाए, तो कड़ी इतने कानून जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए, जो तेजाब की कानूनी कार्रवाई बनती, जो तेजाब इन्हें साढ़े सुटिया, पुलिस ने मौके से 2 लीटर की बोतल भी बरामद की है तेजाब की उपरों, साड़ी दुकान के वेखो की हालात बने हैं, तो तेजाब वेखो कि डुला साड़ी दुकान के अंदर वेखो, जे कि यदि जान बान 4-5 बंदे काम करते हैं, 6-7 जी यही करते हैं, 10 जने काम यही करते हैं, गाहक भी सारा दिन चलता रहता, जे कि तेजाब पैन का किसी जान चली जाती कौन जुम्मेवार है? इस करके जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है की जाए। चरणदीप सिंह फिर गुरनाम सिंह। हाँ जी गुरनाम सिंह जी, की गल हुई है? पानी पाया जी साढ़े दुकान पर। किन्ने पाया जी? की नाम? बाबा कौंसलर बलबीर कौर का मुंडा जी। दलबीर कौर का मुंडा बाबा कौंसलर। कि संबंध रखता कौंसलर जी को? संबंध तो सिद्धू ना। अच्छा कांग्रेसी आगू? हाँ कांग्रेसी। अच्छा उस पाया पानी उत्तों सुटे तेजाब पाई। कारण है तेजाब पाने का? कारण उन्होंने पता होगा जी, पुछो गुंडागर्दी की मांग करते हो? मांग यो करने भी साढ़े नुकसान भरया जाए। नहीं भरया जाएगा तो फिर की करो? कानूनी कार्रवाई करो, तेजाब पा दिया साढ़े सिर च, गाहक की सच्ची पै सकती है। उधर जांच अधिकारी SHO गुरविंदर सिंह का कहना है कि उन्होंने को शिकायत दुकानदार वालों पहुंचाई गई है, दोषी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सानू कुलजीत सिंह नाम के व्यक्ति ने दरखास्त दी है कि 100 फुटी से वो दुकान और दुकान के उपर दूसरे जोड़े मालक ने दूजे जोड़े केंद्र भी दुकान साढ़े को उन्हों दुकान के पानी जरा आ गया, जिदे नाल शार्ट सर्कट होना, वह समान कुछ खराब होया, तो नाल उन्हें दसिया है कि मैनू यदा जरा साड़ी दुकान का आपसी झगड़ा चलता, जिस संबंध में कुलजीत सिंह ने साडे पास लिखी दरखास्त देती चरणदीप सिंह के खिलाफ, असी वेरीफाई कर रहे हैं और वेरीफाई करने तो बाद जो भी कार्रवाई जिसके खिलाफ बनेगी असी उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सर कौंसलर कौन ने? उन्होंने कहना कि दुकान के उत्ते कब्जा किया जा रहा उन्होंने वालों? कौंसलर वो नहीं है, कौंसलर वो माता ने, पर वालों कब्जे वाली गल मैनू हूँ तक क्लीयर नहीं हुई, जो क्लीयर हो जे ये गल भी सामने आऊगी फिर जिहड़ा दोषी है चाहे वह कौंसलर है चाहे कोई भी है, जिहड़ा भी दोषी होगा कानून मुताबिक वो खिलाफ़ कार्रवाई करांगे।